डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास सिक्स का मैथ है, एनसीईआरटी का मैथ, और चैप्टर सिक्स देख रहे हैं आप। चैप्टर फाइव तक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर सिक्स में इंटेजर्स दिया हुआ है। तो इंटेजर्स, इसको हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर थ्री है जिसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। यहाँ पे तीन नंबर में जो दिया हुआ है, ए नंबर में प्लस फाइव माइनस टेन इस तरह से जो दिया हुआ है, तो उसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना है, मतलब दिखाना है कि वो नंबर लाइन पे कहाँ है। तो इसको पेपर पे ही बनाना होगा। तो चलिए पेपर पे ही चलते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए नंबर में दिया हुआ है प्लस फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ए नंबर लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचते हैं इस तरह से, और यहाँ पे बीच में डालते हैं जीरो, यहाँ वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स, और ये तो चलता ही रहेगा। तो इसको इस तरह से कर देते हैं, वन टू थ्री, और हमको नेगेटिव नंबर की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इतना शो कर देते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। यहाँ पे वन हो गया, टू थ्री फोर फाइव, और ये सिक्स, जितना दिखाना है उससे एक ज़्यादा दे देते हैं। तो यहाँ पे प्लस फाइव दिखाना है, तो पॉजिटिव नंबर इधर है, प्लस फाइव ये है, तो ये जो है ये ही प्लस फाइव है, ये हो गया प्लस फाइव। तो यही हमको दिखाना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर है, ये इसमें माइनस टेन दिखाना है। तो यहाँ पे नंबर लाइन लेते हैं, आप स्केल से ले सकते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे जीरो लेते हैं, जीरो क्योंकि हमको नेगेटिव दिखाना है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नंबर लेते हैं। फिर यहाँ पे वन टू, और ये चलता रहेगा, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे ये दे देते हैं। तो यहाँ पे माइनस टेन हो गया, माइनस नाइन हो गया, माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, यहाँ पे वन टू, तो माइनस टेन यहाँ पे है, तो इसको हम शो करेंगे माइनस टेन माइनस टेन, ये हो गया। उसके बाद सी नंबर, सी सी में प्लस एट, तो नंबर लाइन सबसे पहले ये हो गया। अब यहाँ पे हम जीरो रखते हैं क्योंकि हमको प्लस में शो करना है, तो वन टू, यहाँ पे हम माइनस टू माइनस वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे थ्री हो गया, फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं नाइन, और ये आगे जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्लस एट शो करना है, तो प्लस एट यहाँ है, इसको हम यहाँ शो करते हैं प्लस एट, तो ये इसका आंसर हो गया। अब डी नंबर, डी में माइनस वन शो करना, तो माइनस वन शो करना काफ़ी आसान है, तो इतना छोटा सा लेते हैं, और यहाँ पे जीरो रखते हैं, वन टू माइनस टू माइनस वन, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव फोर थ्री टू वन, तो माइनस वन यहाँ है, तो हम यहाँ शो करते हैं माइनस वन, ये हो गया। और लास्ट में दिया हुआ है माइनस सिक्स, ई नंबर, तो यहाँ पे नंबर लाइन, और यहाँ लेते हैं जीरो, वन यहाँ वन हो गया, और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया। यहाँ पे माइनस सिक्स यहाँ है, फाइव माइनस माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, तो माइनस सिक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे शो करते हैं माइनस सिक्स।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नंबर लाइन पे हम इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। उसे पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम स्क्रीन पे ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। यहाँ पे एक वर्टिकल नंबर लाइन दिया हुआ है। वर्टिकल मतलब हो गया कि खड़ाई जिसको बोला जाता है, और ऊपर से नीचे तक यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है वर्टिकल लाइन दिया हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है ए बी सी डी, या पॉजिटिव की ओर दिया हुआ है ए बी सी डी, और यहाँ जो जीरो होता है उसमें ओ दिया हुआ है ओ, और यहाँ पे एच जी एफ ई इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ओ दिया हुआ है इसको हम जीरो मान लेते हैं, और इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इस तरह से दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे क्या बतलाने के लिए कह रहा है, यहाँ पे ए नंबर में देखते हैं। इफ पॉइंट डी इज प्लस 8 देन विच पॉइंट इज माइनस 8। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, प्लस 8 माइनस 8, डी जो है वो प्लस 8 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है ओ यहाँ से जीरो मान लेते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो एफ नंबर है, एफ पॉइंट है, तो एफ पॉइंट जो है वही माइनस 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा एफ। उसके बाद बी नंबर में यहाँ पे क्या कह रहा है, इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जी पॉइंट जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जी कहाँ है, तो जी यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये यहाँ से ओ से नीचे है इधर, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इंटीजर है। तो इसको हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर। बी नंबर का आंसर हो गया नेगेटिव इंटीजर। राइट इंटीजर्स फोर पॉइंट्स बी एंड ई। तो बी और ई कितना मतलब पॉइंट होगा, इंटीजर दिखाना है, प्लस में है माइनस में है और कितना पॉइंट है, तो बी और ई दिखाना है। तो हम लोग बी कहाँ दिया हुआ है, ये है बी, तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4, प्लस 4 हो जाएगा, और ई जो है यहाँ सबसे नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो एफ पॉइंट जो था वो 8 था, माइनस 8 हम लोग पहले ही दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ 10 हो गया, तो ई पॉइंट जो है वो माइनस 10 हो गया। तो इस तरह से बी प्लस 4 और ई माइनस 10, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो इस नंबर लाइन में सबसे कम मान का, जिसका वैल्यू सबसे कम है, वो कौन सा पॉइंट है। तो जो सबसे जब बड़ा नंबर नेगेटिव का जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसका वैल्यू कम होता है, तो यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे नेगेटिव में, और यहाँ पे ये पॉइंट जो दिया हुआ ई, तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू होगा, तो पॉइंट ई ही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन ई दिया हुआ है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। वैल्यू के आधार पे इसका नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, बड़ा से छोटा घटते क्रम में सजाना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो ये नंबर लाइन दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा आपका प्लस जो रहता है पॉजिटिव नंबर वही होता है, तो यहाँ से बड़ा है ये, तो डी बड़ा हो गया, उससे छोटा हो गया सी, और उससे छोटा बी, फिर उससे छोटा हो गया ए, फिर उससे छोटा हो गया ओ, फिर एच जी एफ ई, इस तरह से आपको स्क्रीन पे इसका आंसर मिल रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे सॉल्व करेंगे।